मेरा नाम है आकाश शुक्ला, वेलकम टू सीयूटी वाई सुपर कार्ड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनटीए अब आपसे सीयूटी की फॉर्म फिलिंग करा रहा है। सीयूटी की फॉर्म फिलिंग के दौरान हम लोगों को बताया गया यार यूनिवर्सिटी दिल्ली बनारस यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद, बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि हमारी विश लिस्ट में रहती है और हमें पता भी होती है। इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन भी देखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि लेस कॉम्पिटिटिव होती है, जहां पर बच्चे कम अप्लाई करते हैं, उनकी वर्थ भी बहुत ज्यादा है। ये मेरा वीडियो बनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं आपको उन यूनिवर्सिटी के नाम बता पाऊं और वहां से कितना पैकेज गया है हाईएस्ट ये बता पाऊं और कौन कौन से कोर्सेज वो कराती है यूनिवर्सिटी जो कि लेस कॉम्पिटेटिव है। यकीन मानिएगा ये वीडियो सबसे वैल्यूएबल वीडियो है फॉर ऑल दी सीयूटी एस्पिरेंट ओवर देयर। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहली यूनिवर्सिटी, हमारी पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है जहां पर कंपटीशन कम देखा जाता है और सक्सेस रेट अच्छा है वहां पर। सक्सेस रेट मतलब वहां पर हाईएस्ट प्लेसमेंट और पैकेजेस आपके लगते हैं, करियर और प्लेसमेंट वैल्यू बहुत अच्छी है। तो आप अगर एक सीयूटी 2024 के एस्पिरेंट है, भले ही आपने फॉर्म फिल क्यों ना कर दिया हो या फिर आप फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो ये यूनिवर्सिटी आपको अपनी विशलिस्ट में जरूर से जरूर रखनी है। स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी को। सबसे पहले देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। बहुत से ऐसे बच्चे जो कि दिल्ली, गुड़गांव, मेरठ, गाजियाबाद, यूपी वाले इलाके में रहते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश बड़ी गजब की यूनिवर्सिटी। अलग अलग इंस्टीट्यूट है इसके। 30 लाख रुपए साल का हाइएस्ट पैकेज देखा गया है और जब ये पैकेज यहाँ पर 30 लाख रुपए साल का दिखता है तो यार अपने आप इसकी वर्थ निकल कर आती है। और फिर यहाँ पर बीकॉम, बीफार्मा, बीसीए, बीएससी, बीएलएलबी, एमबीए, तमाम तरह के कोर्सेज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। इनका अपना इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट भी है, मैनेजमेंट का भी है, लॉ का भी है, ह्यूमैनिटीज का इंस्टीट्यूट भी है। अलग अलग इंस्टीट्यूट है इस विश्वविद्यालय के, इस यूनिवर्सिटी के। तो एक बार जरूर फिल कीजिएगा आप। इसके बाद बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी हरियाणा, भाई हाइएस्ट पैकेज 37.5 लाख रुपए साल के आसपास देखा गया है। जरूर से जरूर फिल करना है आपको सीयूटी की फॉर्म फिल के दौरान। और फिर यहाँ पर दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हाइएस्ट पैकेज 82 लाख रुपए साल का। इकोनॉमिक्स, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज बी कॉमर्स ये आपको प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद यहाँ पर जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी गुड़गांव एनसीआर में स्थित है, भाई 17.5 लाख रुपए साल का पैकेज है। बीएससी, बीटेक, बीसीए, बीबीए, डिजाइन के कोर्सेज, डिजाइन ऑनर्स, बीए ऑनर्स के कोर्सेज, एलएलबी के कोर्सेज, बीएलएलबी, बीकॉम, बीफार्मा, डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन के बहुत सारे कोर्सेज ये प्रोवाइड करती है। ये यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और ऐसे बच्चे जो कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद या मेरठ या नोएडा के आसपास रहते हैं या गुड़गांव में है, हरियाणा में है, उनको जरूर से जरूर ये यूनिवर्सिटी फिल करनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं जब आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी दिखाई दे रही है जिसकी वर्थ अच्छी है, जहां से प्लेसमेंट जो है बहुत अच्छा जा रहा है, तो आपको क्यों ना 700-800 किलोमीटर दूर भी अपने घर से रहना पड़े, लेकिन ये 3 या 4 साल आपके ग्रेजुएशन के बहुत बेहतरीन होने चाहिए फॉर दी प्लेसमेंट एंड यू नो करियर पर्सपेक्टिव। इसके बाद चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब, भाई राजपुरा पंजाब में हाईएस्ट पैकेज 40 लाख रुपए साल का गया है। बीबीए, बीकॉम, बीएससी ऑनर्स, बीए ऑनर्स और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट डिजाइन के कोर्सेज, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीई, वेरियस फील्ड में आपको प्रोवाइड करता है। फिर बीसीए और फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब जरूर से जरूर फिल कीजिएगा, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है करियर प्लेसमेंट परस्पेक्टिव से। ये चाहती नहीं कि बेकार या फिर कोई ऐसे बच्चे जो कि पढ़ते ही नहीं है या जिनका स्कोर नहीं आता है वो हमारे यहाँ पर है, मतलब इस वजह से क्या करते हैं थोड़ा सा एक वो भी ऐड कर देते हैं, एक छोटा सा इंटरव्यू प्रोसेस भी ऐड कर देते हैं अपने यहाँ पर। कोई बहुत ज्यादा टिपिकल इंटरव्यू नहीं होता, आपका इंट्रोडक्शन वगैरह ये सब चीजें होती है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जरूर से जरूर फिल करने लायक यूनिवर्सिटी है। इसके बाद दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी हाईएस्ट पैकेज भाई 12 लाख रुपए साल का है, जरूर से जरूर फिल कीजिएगा। इसके बाद आती है आईएमटी यूनिवर्सिटी मेरठ, हाईएस्ट पैकेज 35.5 लाख रुपए साल का। अगर मैं मेरठ में स्थित यूनिवर्सिटी की बात करूं, शोभित यूनिवर्सिटी, आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी, आईएमटी यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी ऐसी है, इनमें से आईएमटी यूनिवर्सिटी बहुत वर्थ है, बहुत तगड़ी यूनिवर्सिटी है। मैं खुद गया उस यूनिवर्सिटी में, मेरे पेपर यही हुआ करते थे, एग्जामिनेशन यही हुआ करते थे। बहुत बड़ा कैंपस है भाई, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, अच्छी अच्छी कंप्यूटर लैब्स है। और जहां पर जब जैसे ही आप घुसेंगे ना, कम से कम नहीं तो 100-150 जो इनके एलुमिनस एलुमिनाई हैं, ऐसे लोग जिनके हाईएस्ट पैकेजेस गए हैं बड़ी बड़ी कंपनी में, अर्नस्ट एंड यंग कंपनी में, एसेंचर कंपनी में, है ना, और आपका डेलॉइट कंपनी में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में इनके पैकेजेस लगते हैं। उनके बोर्ड्स जो है आपको वही प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर दिखाई देते हैं।
बहुत अच्छा कैंपस भी है इनका, देखिएगा जाकर एक बार। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात करें, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम प्रोवाइड करती है, 23 लाख रुपए साल का पैकेज है। एमएससी के वेरियस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम और एमए के अलग अलग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आपकी विश लिस्ट में जरूर से जरूर होनी चाहिए। मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, भाई बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी, 85 लाख रुपए साल का पैकेज, बीटेक इन वेरियस फील्ड। उसके अलावा आपको यहाँ पर डिजाइन के कोर्सेज देखने के मिलते हैं, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स, बीबीए, बीसीए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बीएससी ऑनर्स, एलएलबी आप कर सकते हैं भाई, वकालत कर सकते हैं आप, वकील बन सकते हैं। उसके बाद एमबीए आप यहाँ पर कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करता है। और मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर ऐसा दिखता है, बहुत ही अच्छा दिखता है देखने में, और यार एक मस्त अप्लाई यूनिवर्सिटी है। मणिपाल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसके बाद यहाँ पर मैं बात करूं, एशियन स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर उड़ीसा, 10 लाख रुपए साल का पैकेज, जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, भाई देख लो 21 लाख रुपए साल का हाईएस्ट पैकेज है। इस तरह की यूनिवर्सिटी दिखाई देती है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बीएससी, बी वोकेशनल के कुछ कोर्सेज हैं जो कि आपका डिप्लोमा ट्रेनिंग बेस्ड कोर्सेज होते हैं, बीटेक अलग अलग फील्ड्स में प्रोवाइड करता है, और बीए और बीएड एक साथ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करता है, तो आपको जरूर से जरूर फिल करना चाहिए। असम यूनिवर्सिटी हाईएस्ट पैकेज 26 लाख रुपए साल का। देखो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई वीडियो इंटरनेट पर होगा जो कि आपको इस तरह की यूनिवर्सिटी भी बताएगा जहां पर कंपटीशन कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन करियर और प्लेसमेंट परस्पेक्टिव से वो यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत बेहतर है। 800 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज होंगी हमारे इंडिया के अंदर, लेकिन ये लगभग कोई 250 यूनिवर्सिटी अभी तक देखी गई है जो कि सीयूटी का स्कोर एक्सेप्ट कर रही है, और उन 250 में से भी 5-6 यूनिवर्सिटीज के लिए रेस लगी हुई है, सब उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन भाई कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जहां से 82-85 लाख रुपए साल का हाईएस्ट पैकेज देखा गया है, और वो अब सीयूटी का स्कोर स्टार्ट कर दिया एक्सेप्ट करना, सीयूटी के स्कोर के बेस पर एडमिशन लेना शुरू कर दिया है। तो फिर वो यूनिवर्सिटी आपकी विशलिस्ट में ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और आप इस चैनल से जुड़े हो, मतलब ये तो मैं होने नहीं दूंगा, इस चैनल से जुड़े होने के बावजूद भी आप उन यूनिवर्सिटी को अप्लाई ना करें, ये हम कतई नहीं होने देंगे। हाईएस्ट पैकेज 26 लाख रुपए साल का, बी एल एल बी फार्मास्यूटिकल साइंसेस, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, इंटीग्रेटेड एमएससी, बीएससी और बीएड, आपको एमबीए, बीएससी, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बी वोकेशनल के कोर्सेज, भाई यूनिवर्सिटी जो ये इस यूनिवर्सिटी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं उसकी लाइन खत्म ही नहीं होती, तो आप जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। इससे रहेगी आईएमटी यूनिवर्सिटी मेरठ भी है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कि भाई बैंगलोर कर्नाटका में स्थित है, बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी, 30 लाख रुपए साल का हाईएस्ट पैकेज है। अगर वहां पढ़ लोगे ना तो भाई किसी कंपनी में चिपक जाओगे, इतना तो मैं जानता हूँ, ठीक है। उसके बाद के आर मंगलम यूनिवर्सिटी, 36 लाख रुपए साल का पैकेज है, दिखने लगी है जहां तक मुझे पता है, जरूर देखिएगा। और बीटेक इन वेरियस स्पेशलाइजेशन आपको प्रोवाइड करती है, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, फार्मेसी के कोर्सेज, एलएलबी आपको डिजाइन कोर्सेज, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स और बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएडबी आपको प्रोवाइड करती है। देखो दिल्ली भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, ये भी यूनिवर्सिटी जो कि आपको प्रोवाइड करती है। इसके बाद आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी जो कि पनवल में नवी मुंबई के आसपास स्थित है, भाई 30 लाख रुपए साल का हाईएस्ट पैकेज है। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने ये वीडियो अपलोड करके ना कंपटीशन और बढ़ा दिया, भाई 15 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी बताई है मैंने इस सेशन के अंदर, तो ऐसा नहीं होने का 15 की 15 में ही कंपटीशन बढ़ जाएगा। आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ जाना चाहते हैं। मैं एज अ स्टूडेंट अगर उधर होता कैमरे की साइड, मतलब जैसे जहां पर आप बैठे हुए हैं, तो फिर मैं अब ये वाली वीडियो देखकर सारी की सारी यूनिवर्सिटी अप्लाई कर देता, वो तो करता ही करता, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, लेकिन साथ साथ में ये सारी यूनिवर्सिटी भी अप्लाई करता। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो गाइस, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरी इन योर माइंड देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 7676564400, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, यू गाइस कैन यू नो हैव आवर सीयूटी क्रैश कोर्स आल्सो, और यू गाइस शुड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि हम इस तरह का रिलेटेबल कंटेंट, इस तरह के का मोर रिसर्च कंटेंट आपके लिए लाकर लाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।